अब हिमालय नहीं जाएंगी पूर्व सीएम उमा भारती, मध्य प्रदेश में करेंगी भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आखिरकार हिमालय जाने का प्लान बदल दिया है। वे अब बीजेपी के पक्ष में मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगी। चुनाव प्रचार में लगने से पहले ही वो काफी एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तीर्थ दर्शन योजना के दावे को गलत बताया है। उमा भारती सागर के सुर्खी में चुनावी रैली करेंगी। हालांकि इससे पहले वो प्रचार से मना करके हिमालय जाने की घोषणा कर चुकी थी। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। इसे लेकर उमा भारती ने नाराजगी भी जाहिर की थी। इसके बावजूद उमा भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें जहां भी प्रचार के लिए बुलाएंगे वो वहां जाएंगी। कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि ललितपुर रेलवे स्टेशन पर बाएं पैर में लगी चोट बड़ा नुकसान कर गई है। वे अब बेड रेस्ट में हैं और पूरी तरह ठीक होने में लंबा समय लगेगा। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी अत्यधिक तनाव और दबाव से थक गए हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी। उन्होंने नहीं, उमा भारती ने आगामी लोकसभा चुनाव भी लड़ने की इच्छा जाहिर की। 2019 में वो चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन उनका अब कहना है कि भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा जहां से कहेंगे वे वहां से चुनाव लड़ेंगी।